ने 269 पेटी शराब की एक ट्रक के ट्रॉला में अलग से बनाए गए बॉक्स में छिपाकर ले जाई जा रही थी। जिले की स्वाट और बिसौली पुलिस ने ट्रक रुकवाकर शराब बरामद की है। वहीं दो शराब तस्करों को एक कार समेत गिरफ्तार भी किया गया। बता दें कि बिहार में बंदी होने के चलते वहां हरियाणा की शराब महंगे दामों पर बेचे जाने के उद्देश्य से ले जाई जा रही थी। ट्रक में ऊपर फर्नीचर रखा था, जबकि नीचे शराब की पेटी छुपाई हुई थी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ कर उन्हें जेल भेज दिया है। जनपद बदायूं में हमारी एसओजी टीम बिसौली के एसपीआरए और अधिकारियों के नेतृत्व में पतारसी सुरागवसी करके एक अवैध शराब जो चंडीगढ़ से वैशाली बिहार के लिए सप्लाई होती थी, इसको पकड़ा है। इसमें दो लोग अरेस्ट हुए हैं और दो गाड़ियां, एक कैंटर और एक मारुति बरामद हुई है। इसमें 269 पेटी शराब, 2421 लीटर इंग्लिश शराब ये अवैध रूप से ले जा करके बिहार सप्लाई की जा रही थी, जिसको ट्रैक करके हमारी एसओजी टीम और बिसौली और हमारे एसपीआरए साहब के नेतृत्व में ये सारी टीम ने इस ये वर्क किया है। इसमें जो गिरफ्तार व्यक्ति है, एक बिहार का है, एक अलीगढ़ का है और एक इसके जो हरियाणा से एक अरोड़ा है जिसको जिसने सप्लाई की थी, और दो लोग हैं, दो व्यक्ति हैं वैशाली बिहार के, जहाँ पे इसकी सप्लाई जानी थी। इस संदर्भ में वैशाली इसमें बिसौली में अभियोग पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी और हमारी टीम ने अच्छा काम। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews/